भाई सलार मूवी की तरफ से दो दो अपडेट है जो हमारे पास आके पहुंच गई है। इस वीडियो पे हम बात करेंगे उसके बारे में। पहला है सलार मूवी में एक दिल दहलाती किरदार निभाने जा रही श्रिया रेड्डी जी का नोट, और दूसरा है एक और विलन की एंट्री सलार मूवी में। विलन के बारे में जानने से पहले आइए थोड़ा नज़र डालते हैं श्रिया रेड्डी जी के वो प्यारा सा नोट के ऊपर। वो एक्चुअली अपनी किरदार के लिए प्रशांत नील जी को शुक्रिया अदा किए हैं, उन्हें उस कदर भरोसा करना कि एक ऐसा किरदार में उन्हें ढालना बहुत बड़ी बात है। इसलिए वो प्रशांत नील जी को और सलार की पूरी टीम को नोट के ज़रिए थैंक यू बोले हैं। भाई प्रशांत नील जी के डायरेक्शन में बनी हर एक फिल्मों में आप देखे होंगे हर एक किरदार की एक एक अहमियत होती है। मैं आपको याद दिला देना चाहूँगा KGF 2 मूवी में रॉकी भाई की पिता वाले कैरेक्टर से फिल्म कितना मजबूत और इमोशनल हो जाती है, आपको याद होगा। प्रशांत नील जी का वही एक खासियत है मेरे भाई, वो किसी को भी नहीं छोड़ते। कहानी कुछ ऐसी होती है उनकी फिल्मों में जो हर एक किरदार यादगार हो जाते हैं। चलिए अभी बात करते हैं वो न्यू विलेन की एंट्री के बारे में कि वो कौन सी विलेन है जो सलार मूवी में एंट्री कर रहा है। भाई आप बजरंग लौकी को जानते होंगे जिनका असली नाम सौरभ लोकेश है। कई सारे फिल्मों में वो एकदम कड़क विलेन के किरदार में नज़र आते हैं, वो भी सलार मूवी के विलेन लिस्ट में अभी शामिल हैं। उनका शूटिंग कुछ हद तक बेंगलुरु में हुआ था और हैदराबाद में ख़त्म हुआ है। कुल 45 दिनों तक वो सलार की शूटिंग में जुड़े थे, मतलब उनका किरदार भी एकदम ज़बरदस्त होगा यार। भाई सच बताऊँ ना, विलेन के तौर पर पृथ्वीराज सुकुमारन, जगपति बाबू जी को, मतलब इन दोनों को छोड़ देने से और भी कई सारे खतरनाक विलेन सलार मूवी में जुड़े हुए हैं जो कि किसी और फिल्मों में ना मैन विलन के किरदार में नज़र आते हैं और इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन के आर्मी कहलाएंगे। जैसे कि रमन्ना विशाल स्टारर लाठी की मैन विलन थे, सौरभ लोकेश शिवा राजकुमार स्टारर बजरंगी की मैन विलन थे, संपत राम हॉलीवुड समेत कई सारे फिल्मों में खतरनाक विलन के किरदार में नज़र आ चुके हैं। ऐसे बहुत कुछ है यार सलार मूवी के अंदर जो बाहर आना बाकी है। बस आदि पुरुष रिलीज हो जाए यार, फिर देखना सलार की तरफ से क्या तूफान उठता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।